और ए महफिल का मकसद ये नहीं कि तुहानू नच टपा के फिर उधरों लिया के फिर जनाब सारे मामलात करके इतने खर्चे करन का मकसद ये होंदा कि तुहाडी कोई तरबियत करिए। तुहानू दसीए कि हुजूर दा दीन है की और तुहानू दसीए कि तुहाडी जिंदगी का मकसद है की। मैं इत्थे पूरे मजमे को किसी नूं पुछ लवां ना कि तेरी जिंदगी का मकसद की है तो शायद कोई जवाब ना देवे। है किसी को जवाब कि तुहाडी जिंदगी का मकसद की है, किस वास्ते जी रहे हो? है जवाब किसी को? है साड़ी जिंदगी का मकसद यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना। हाँ बस उन्होंने जान लीए, उन्होंने पहचान लीए तो फिर की होए? कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं और अगर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि ऐ फरिश्तों पाए नाज से अब मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। इस वास्ते कि साड़ी जिंदगी का मकसद है कि असी हुजूर दे नाते कुर्बान हो जाइए, यही मकसद है। यही मकसद शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। इकबाल साड़ी तकदीर के फैसले पहले कर गया, कहना न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ हुजूर दा दीन चाहिए, हुजूर दा नामे नामी चाहिए, हुजूर दी नामूस उत्ते पहरा चाहिए और बड़ा डट के चाहिए। ठीक है ते बाकी रही शयूख की गल और पीराने उजाम की गल रही थे, इन्हें मैंने इसे मकसद वास्ते बुलाया कि हाफिज़ साहब आओ इन्हें तरबियत करो, इन्हों असी हुजूर दे दीन वास्ते तैयार करिए। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू हुजूर दे दीन उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह।